हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसा कि आपको पता ही, हमारा क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का सीरीज चल रहा है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो चैप्टर फर्स्ट के नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, ठीक है। आज हम चैप्टर फर्स्ट के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जो कि हमारा क्या टॉपिक है, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट क्या है, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। जैसे कि हमको पता है, ये सिर्फ जो नंबर्स के फॉर्म में होते हैं उसी फैक्ट्स को हमें बताता है, कोई भी क्वालिटी हमें नहीं बताता है उन चीज़ों की, ठीक है। मान लीजिए कि नंबर के फॉर्म में वो ज़्यादा हो लेकिन शायद उसकी क्वालिटी कम हो, लेकिन नहीं, अगर न्यूमेरिकल फैक्ट्स में ही हमें बताएगा। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, ये क्या करता है, इकट्ठे न्यूज़ को ही हमें देता है, कई सिंगल चीज़ की न्यूज़ हमें नहीं देता है। होमोजेनिटी ऑफ डाटा आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, सब डाटा एक जैसे होने चाहिए। जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं कि हमें एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन निकाल रहे हैं तो हम हर जगह की पॉपुलेशन ही निकाल सकते हैं, पॉपुलेशन को हम एजुकेशन से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, रिजल्ट क्या होता है, सिर्फ एक एवरेज तक ही ट्रू रह सकता है, पूरा ओवरऑल हम सही नहीं बता सकते कि 101% सही है। ये क्या हो सकता है, 50% 60% तक ही सही रिजल्ट हमारा पता चलता है, ठीक है। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूफ टू बी रॉन्ग, ये गलत है। यहाँ पे पॉइंट दोनों साथ में लग गया, ये एक ही पॉइंट है, ठीक है। बिना कोई भी रेफरेंस के, क्या अगर हम मान लीजिए बोल दिए कि क्या है, इस साल पॉपुलेशन बढ़ी है, तो अगर हमारे पास पिछले साल के पॉपुलेशन का प्रूफ नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट गलत बताने लगेगा। तो वही बोलते हैं, क्या होगा, अगर कोई भी हमारे पास रेफरेंस नहीं होगा उस चीज़ को शो करने के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। कैन बी यूज ओनली बाई एक्सपर्ट्स, जैसा कि हमें पता है स्टैटिस्टिक्स का जो एक्सपर्ट होगा, जो ये सब करता होगा, वही इसको कर सकता है, कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है। डोंट बी misuse, क्या कर सकते हैं, इसका misuse भी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स ये एक छोटा सा क्या होता है, जैसे कोट टाइप का होता है, वो आपके लिए दिया हुआ, आप कहीं भी एग्जाम में इसको लिख के अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले By which you can make a god or a devil. जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास अगर क्ले होता है तो हम उससे भगवान भी बना सकते हैं, उससे राक्षस भी बना सकते हैं, तो उसी तरह स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। अगर हम इसका सही यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए भगवान जैसा साबित हो सकता है, लेकिन अगर हम इसका गलत यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए एकदम राक्षस, जैसे कि बहुत बुरा भी असर इसका हो सकता है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। फंक्शन और इम्पॉर्टेंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल आईडी और मेरा पेटीएम नंबर दिया हुआ है, आप उस पेटीएम नंबर पे 15 रुपीज़ पर चैप्टर के हिसाब से पैसे ट्रांसफ़र करके क्या कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे जीमेल पे या कमेंट बॉक्स कहीं भी दे सकते हैं। आप जिस जीमेल से मुझे स्क्रीनशॉट देंगे, आपको उसी पे विद इन 1 आवर्स नोट मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।